ये है बटन मशीन। है ना? एक मिनट देखो, बोले ठीक में ऐसे रखेंगे दोस्तों। ये देखो हमने इसमें अभी रिक्वायरमेंट के आधार पे ये देखो ये प्रोग्राम हो गया। ये देखो इसमें हमने खड़ा ऐसा आड़ा आड़ा खड़ा कर दिया। इसमें हमने दो होल का ये 12 टाके में कर दिया। देखो इसमें ये 3-6 में ऐसा कर दिया पैरेलल में। देखो ये ऐसा आड़ा है, और ये क्रॉस है, और कोई छोटी बटन है किसी को बहुत ज्यादा छोटी बिल्कुल बारीक बटन, छोटे बटन में हमने ये देखिए 65 का कर दिया कम टाके में। तो इस तरह से आप मालूम एक बार प्रोग्राम सेटिंग कर दिए ना तो ऑटोमेटिकली आप जो आपको जैसे आपको ये हाँ जैसे आपको दो होल में चाहिए आपको ये दो होल में जाएंगे। आपको ये अगर मान लो ऐसा वैसा चाहिए आपको इसमें ये पैटर्न में चाहिए इसमें मिल जाएंगे। आपको ये मारना है आपको अब ये भी सब देखो 10-10 टाके तो 12 टाके से करना है। अभी आपको ये मारा मारो अभी कितनी बार नीचे पर बैठा बटन घुमा गया नहीं घूमा है ना इसको बोलते हैं फिनिशिंग। दोस्तों मशीन काफी दिन से बंद थी, बंद मशीन है फिर दोस्तों एक बार में क्यों फिनिश नहीं करते यार, दोबारा हाथ क्यों लगाते, एक बार में फिनिश किया करो। नहीं नहीं आदत दोबारा एक बार बटन छोड़ दिए ना दोबारा बटन को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये है दोस्तों बेहतरीन फिनिशिंग लॉक स्टिक बटन मशीन बेहतरीन आ रही है। इसमें कलर के हिसाब से जैसे ये हरा कलर है तो हरा कलर का भी धागा यहाँ पे रख सकते हो और ऊपर में काला ही रहेगा। बटन के हिसाब से ऊपर का धागा सेपरेट कर सकते हो, नीचे के कपड़े के हिसाब से धागा सेपरेट कर सकते हो। ये मशीन में ये खास बात है इस टाइप का जो 9103 जो मॉडल है 1900 जो मॉडल है चाहे जैक हो या जोजे हो इन सब में आपको इस तरह से फिनिशिंग मिल जाएगी। और इसकी बटन खुलती नहीं है, हाई क्वालिटी बटन होती है यानी स्टिचिंग होती है। अब एक टाका भी रहेगा तो खुलेगा नहीं क्योंकि लॉक स्टिच है बॉबिन केस वाला। इसमें ऐसा बॉबिन लगता है ऐसा बॉबिन लगा हुआ है, इसमें बॉबिन केस वाला सिस्टम है, डबल धागे लगते हैं। इसके पास क्वालिटी और स्पीड इसमें आरपीएम आपको 3000 मिल जाएगा और नॉर्मल जो 1377 मशीन है उसमें आपको 4 टाके मिलते हैं। इसमें 10 टाके 12 टाके अपने काम के हिसाब से कर सकते हो। तो इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये स्लो जैसा है ना कि स्लो नहीं होती है ये मशीन होती है उससे डबल स्पीड वो 1200-1300 रहती है मैक्सिमम 1300 रहती है उसमें। और इसमें हमने इसमें 1300 में लॉक करके रखा हुआ है 2300 में, ये 2300 है और 1300 फर्क बताओ कितना। लेकिन कारागिर ऑपरेटर और जो मशीन वाला उनसे ये चीज़ से समझना चाहिए कि इसमें टाके ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि उससे कम दिखे लेकिन उसमें सिर्फ 4 ही टाके होते हैं। अगर उसको डबल करना है तो आपको डबल चलाना पड़ेगा मशीन ऐसा है 1377 इलेक्ट्रॉनिक पावर सेवर में 8 टाके 16 टाके 32 टाके आए हैं बस ये फीचर मिलते हैं इसमें है। 32 टाके का मतलब है उसमें 8 टाके मिलेंगे आपको। इसमें देखो आपको 10-10 टाके मिलेंगे, 10 इधर में मिलेंगे 10-10 मतलब ये 40 बार इसमें मशीन चलती है 32 बार नहीं 40 बार है ना। ये है भाई मशीन